कोई भी पूछे क्या है, सनातन है, हिंदू है, जो जो आदमी कांग्रेस के साथ है वो समझिए देश का गद्दार है। 14-15 के बाद हमारे इलाका में उग्रवादी शांति मिला। झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, 13 नवंबर को फर्स्ट फेज का वोटिंग होगी। आइए लोगों से बात करते हैं, कुमंडी स्टेशन पे मैं हूँ लतिहार के, और यहाँ लोगों से पूछते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं जिसके हिसाब से वो वोट देने वाले हैं। क्या मुद्दे होंगे इस बार वोट डालते समय किसको जिताने वाले? बीजेपी। बीजेपी, बीजेपी क्यों? अच्छा सरकार लगती है बीजेपी में। एक खूबी देखते हैं कि सारा चीज व्यवस्था ज्यादा मिलता है, सुरक्षित ज्यादा है, बिजली भी आ गया है हम लोग तरफ, रोड भी आ गया, पहले पुल पुल नहीं था। युवा क्या देख के वोट करने वाला है? बीजेपी को। क्या चीज ध्यान में रख के वोट करेंगे? रोजगार। कितने बड़े मुद्दे हैं ये दोनों क्षेत्र विकास? बहुत बड़े मुद्दे हैं, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ का माहौल तो है बीजेपी का ही है, 5 साल पहले बीजेपी का ही था। हाँ, तो 5 साल पहले क्या काम? विकास हुआ था, विकास जी, रोड का जो हम लोग को आने का जो रास्ता है वही पुल बन गया। उससे पहले रोड नहीं थी? नहीं थी। JMM कांग्रेस से क्या नाराजगी है कि आपको बीजेपी सरकार चाहिए? से नाराज है कि जो वादा किया था कि हाँ, पहले जो वोट लेने समय कि हर हर गांव में, हर पंचायत में जाके, हर घर में किसी का कॉलोनी या जो जो अबू आवास सब मिलना चाहिए, वो मिला ही नहीं गांव में। 2014 के बाद क्या बड़ा फर्क देखा इस क्षेत्र में? बहुत सा बड़ा फर्क हुआ बीजेपी के राज में, बिजली मिल गया, सारा रोड की सुविधा भी कुछ हो गया। प्रधानमंत्री मोदी से कितने लोग प्रभावित हैं? बहुत, कितने लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पे? यहाँ बच्चा बच्चा लोग जानते हैं। हाँ। सिर्फ मोदी जी का ही सरकार है, बीजेपी का ही बनेगा। और क्या सोच है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर? पूरा सोच है, इतना बदलाव ला दिया झारखंड में, कम बड़ा चीज है, सुविधा सभी कुछ मिल रहा है, बीजेपी की ही सरकार में मिल रहा है, पहले तो नहीं मिल रहा था 2014 से पहले। केंद्र में और राज्य में एक सरकार कितनी जरूरी है? केंद्र और राज्य में दोनों में एक ही चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि देखिए, एक सरकार रहेगा विकास होगा। विश्वास तो ज्यादा करके हमें बीजेपी में है, हमारा रोड बनाया, बिजली दिया। और क्या क्या मिला है सरकार के? और यही PM आवास है, राशन मिलता है। जैसे जाति का जनगणना की बात की जाती है तो यही तो राजनीतिक पार्टी यही तो गलत करती है कि जातिवाद करके बहुत गलत कर रहा है, जो हम लोग को आपस में तोड़ देता है। 5 साल तक हम लोग सब सही सलामत रहते हैं, जब आता है तो हम फलना जादो है, जाति का है, कोई हम तो आदिवासी हैं, कोई दलित है, ये सब बात आ जाता है, तो अलग अलग वर्गीकरण कर देता है। ये मुद्दा ही नहीं रहना चाहिए। सीधा सवाल, जाति मुद्दा की विकास? जाति का जो नेता नाम ले रहा है ना, वो सबसे बड़ा विरोधी है, क्योंकि हमारे हिंदू में जाति का नाम आना नहीं चाहिए। कोई भी पूछे क्या है, सनातन है, हिंदू है, मगर जाति का नाम रखने वाला ही नेता गजदार है, हमको उसको पत्थर मारना चाहिए, मगर वो हम पे पत्थर मरवा रहा है, क्योंकि यह जाति का नाम हमारा इंडिया में नहीं आना चाहिए। जो छोटा जो नेचर का जो नेता है, जो 12 नेचर का नेता है, वो कभी भी नहीं बोला है। ये जितने छोटे और घटिया नीच आदमी जो लोग है, ये जाति में बंटवारा कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बटना नहीं है, सारे हिंदू को एकत्रित होकर काम करना है, तो इसके लिए पहले हमारा नेता को एक होना पड़ेगा। कांग्रेस को लात मारिए, हटाइए, और बीजेपी को आगे बढ़ाइए। जो जो आदमी कांग्रेस के साथ है वो समझिए देश का गजदार है, फिर वही भड़काता है, वही लहराता है, सब गलती तो कांग्रेस सरकार का पार्टी आता है। बीजेपी जब से आया है तब से भाई विकास के लिए मर रहा है, एक साथ होने के लिए मर रहा है, पूरा देश को एक करने के लिए मर रहा है। बाकी जो बीच में का जो नेता लोग है, वही तो हमको टुकड़ा करना चाहता है, अलग करना चाहता है, कोई भी किसको अच्छा नहीं देखना चाहता है। हाँ, ये विकास कर रहे हैं तो उसको जलन है भाई, विकास हो जाएगा तो हमको कौन पूछेगा? ये जाति देख के वोट डालेंगे या काम देख के? काम देख के वोट डालना चाहिए। जाति तो कोई मायने नहीं रखता है, काम मायने रखता है। जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जैसे बिजली, सड़क। 14 के पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, हम लोग पुलिया पार करते थे, वो टाटी पे मोटरसाइकिल को ले जा करके पार करते थे बरसात में। 14-15 के बाद हमारे इलाका में उग्रवादी शांति मिला, कोई उग्रवादी गतिविधि नहीं रही। यहाँ पर कैंप वैम्प हुआ, लोग रात में ढंग से सो भी नहीं पाते थे, वो चैन से सोते हैं। ये बदलाव प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हुआ। प्रधानमंत्री ने भी बार बार इस बारे में बोला है कि बटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री ने भी बोला कि बटना नहीं है, एक रह के एक तरह हिंदू को तो एकत्रित होना ही चाहिए। तो आपको लग रहा है इस बार लोग ध्यान में रखेंगे ये बात? ये लग तो रहा है।
माहौल तो चेंज होगा ही, विकास मुद्दा होगा, जाति कोई मुद्दा नहीं। 2014 के बाद कितना बदलाव देखा, कितना सुरक्षा देखी आसपास के एरिया? सुरक्षा के मामले तो बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कैसे? जैसे हम लोग इधर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था, अभी उग्रवाद प्रभावित नहीं है। क्या लग रहा है कि वापस से नक्सलवाद पनप सकता है? यही तो डर है, इसलिए बोल रहे हैं कैंप फट गया तो हम लोग को दिक्कत हो रहा है। नक्सल के एरिया में फेमस है आपका हाईजैकिंग, ट्रेन हाईजैक, BDM हाईजैक हुआ था यहीं पे, वो काफ़ी पुराना बात हो गया। और नक्सलिज में यहाँ आम था जो कि अब नहीं है, इसमें अंकुश तो लगा है। लोकल क्षेत्र में आसपास जितने दूर तक दिखाई जा पड़ रहा है उस हर जगह प्रभावित था, और नक्सलिज्म का भय भी था। आप समझ सकते हो उस समय खाना वगैरह सब व्यवस्था करना पड़ता था। वो आते थे यहाँ सब गांव में पूरा लेके सबको बांट दिया जाता था, घर घर पे चार आदमी दो आदमी खाते थे। पिछले 10 साल में तो इसमें कंट्रोल हो गया है, अब ये चीज़ नहीं दिखाई पड़ता यहाँ पर। अब BJP आया तो उसमें तुल पकड़ा, इस गति तो आया है। और नक्सलिज में ही नहीं, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़िया गति आया। आपका यहाँ आवागमन के लिए जो रूट है हमारे मनिका से कनेक्टिविटी के लिए, वहाँ पुल नहीं था, नदी एक बड़ा बाधा था। वो पुल हमारे लिए पूरा यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। बहुत बड़ा फर्क दिखाई पड़ रहा है, लग रहा है कि हम आगे जा रहे हैं, विकास की ओर हैं आगे। उपलब्धि मिला है 2014 के बाद मिला है, रोड कनेक्टिविटी, बिजली यहाँ नहीं थी, बिजली आई है। उसके बाद नक्सलिज्म तो आप देख ही रहे हैं, वो पूरा प्रभावित हुआ है इस गवर्नमेंट ने। जब ट्रेन हाईजैक हो सकता है तो हमारे साथ क्या बिहेव करेंगे ये कल्पना कर सकते हैं ना आप।